मैं एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग और जो छोटे मोटे मैंने क्लिप मतलब रिकॉर्ड किए हैं वो दिखाऊंगी। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हों सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। उमर लेके आया था पिज़्ज़ा, और उस पागल ने पिज़्ज़ा लेके आया था और उसने पिज़्ज़ा उल्टा पकड़ा था, और जिसकी वजह से सारा पिज़्ज़ा ख़राब हो गया। जो उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट थे वो साइड पे आ गए, और फिर हमने इसी तरीके से पिज़्ज़ा खाया था। उसके ऊपर इतने हंसे थे, उसने पहले पिज़्ज़ा खोला अब दोबारा से बंद कर दिया, ये क्या हो गया। और वैसे भी हमने फ़र्स्ट टाइम उधर से मतलब पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो उसका टेस्ट भी कुछ अच्छा नहीं था और बाकी ऐसा हो गया था। खैर मैं एवरीवन कैसी हूँ आप सब, होपफुली आप लोग सब ठीक हो और मज़े में हो गए। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ अपने ड्रेस दिखा दूं जो मैंने डिज़ाइन करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये वाला ड्रेस है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, मतलब ये सारा जो पिछली से एक दफ़ा मैंने एक वीडियो में दिखाया था, पता नहीं आज क्या क्या बोली। खैर हम चलते हैं इसके डिटेलिंग की तरह। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से इसकी मतलब डिटेलिंग करवाई है, और उस वाली आपी ने दर्जन ने बहुत ही प्यार से स्टिच किया है। हमने डिज़ाइन भेजा कुछ और था, खैर उन्होंने अपनी तरफ से ये बनाया है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। इसके ऊपर इस तरीके से गोटा लगाया है और जैकेट टाइप इसके ऊपर ये लेस बनाई है, इस तरीके से लेस लगाई है ये, और ये पूरी शर्ट कुछ इस तरीके से है, ये फ्रॉक टाइप बनी हुई है, और नीचे ये इस तरीके से लेस लगाई है, और इसके बाजू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं इस तरीके से, और इधर दरमियान में से इसे ऐसे ये रिबन वाले बनाए हैं बाजू। और अभी इसके साथ की कैपरी बनी नहीं है, जब कैपरी स्टिच होकर आएगी तब मैं आप लोगों को पूरी लुक दिखा दूँगी। और इसके साथ ही सेम बेबी का भी ड्रेस है, तो वो मैं आप लोगों को बेबी की ड्रेस डिज़ाइनिंग में दिखाऊंगी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। ये तो शर्ट ही हैं, तो ये दूसरी शर्ट है जो मैंने बनवाई है, और मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। इसके साथ तो ब्लैक टाइट्स वगैरह भी पहन सकते हैं। तो इसकी भी ये भी फ्रॉक टाइप बनी हुई है इस तरीके से, और दरमियान से इधर से थोड़ी सी ओपन है। मुझे कोई जगह नहीं मिली थी, यही जगह मिली तो इधर बेबी भी सोई हुई थी तो मैंने इधर ही वीडियो बना ली। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साइड पर इसके इस तरीके से मगजी निकाली हुई है, और साथ ये मिरर लगाए हुए एक तरह से ट्रेसर लगा के, जिसकी वजह से इसकी लुक और भी ज़्यादा प्यारी आ रही है इस तरीके से, और ये ओवरऑल इस तरीके से बनी हुई है। और नीचे इसके ये वाली छोटी शटर लेस लगाई हुई है। गला इसका बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से बनाया हुआ है, और स्लीव भी इसकी बिल्कुल सिंपल है। और एक ये वाली शर्ट मैं आपको तीसरा ड्रेस दिखाती हूँ। तीसरा ये वाला ड्रेस है अम्ब्रेला प्रिंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे, लेके ये सीस आई थी वैसे, वो ये बहुत प्यारा बना हुआ है। चलो इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। ओवरऑल पहले अपने आपको लुक दिखा दूँ इसकी, इस तरीके से है, ये कुर्ता टाइप है और बिल्कुल इसकी लेंथ छोटी सी है। इसका गला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरीके से ये गला बना हुआ कुर्ता टाइप पट्टी लगा के, और दरमियान में ये वाले पर्ल लगाए हुए हैं वाइट कलर के इस तरीके से, और ये मगजी है। और अब मैं दिखाती हूँ इसकी डिटेलिंग, साइड से इस तरीके से मगजी निकाली हुई है इसकी, और इधर से ये कैसे बनी हुई मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या। अच्छा इधर से ये इस तरीके से है, इसके छोटे से ये हैं चौक, और दरमियान में ये मगजी निकाल के ना ये वाले रेड
फूल लगाए हुए हैं इस तरीके से, और उसमें ये दरमियान में एक पर्ल लगाया हुआ है। और इस तरीके से इसकी ओवरऑल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आयरन होने वाला था बट मैंने इसी तरीके से वीडियो बना ली। ये देखें, इधर भी एक कट है, इधर भी एक कट है, और इस तरीके से ये है। और इसके स्लीव बिल्कुल सिंपल हैं, और जो इसकी कैप्री बनवाई है वो कुछ ट्राउज़र टाइप बनवाई है, जैसे बॉक्स ट्राउज़र होता है इस तरीके से, और बिल्कुल ये सिंपल बेबी का आजकल सर बनाया जा रहा है इस तरीके से। और इंशाल्लाह जो लोग मुझे बेबी के फेस की बोल रहे हैं वो मैं सिले के बाद बेबी का फेस रिवील करूँगी, और अभी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ बाद में ही करूँगी। और बस ये अपडेट थी जो देनी थी। वैसे मैं इसकी पिक वगैरह साथ साथ बना रही हूँ, पिक भी वीडियोस भी, तो जब मेरा 1.25 महीना पूरा होगा ना तब मैं इसकी वीडियोस और पिक भी अटैच कर दूँगी। प्रिंसेस के कपड़े चेंज करवाए हैं, और ये वाला रोमपर भी मैंने करवाया था स्टिच, और जो कि बहुत फिट आए हैं इसको कपड़े, और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है ये। और इसका ये वाला हेयर बैंड मैंने अभी बनाया था, आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरीके से। और ये